सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS व्लॉग्स। और आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने नए और एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों ने मेरी जो है पिछली वीडियो जो कि जावा और ESD की हिस्ट्री के बारे में था, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में जो है इसका लिंक है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जावा 2018 में जो लॉन्च हुई थी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि जावा जो है 2018 में दोबारा से रीलॉन्च हुई थी, अपना जो उसने सेटबैक किया था 1947 में यहाँ से जब इंडिया से चली गई थी उसके बाद, तो जावा को इंडिया में आने के बाद उसने जो है अपनी दो बाइकों को लॉन्च किया, दो बाइक्स लॉन्च करी उसने, जिसका नाम था जावा क्लासिक और जावा T2। और साथ में उन्होंने जो है 2018 में अपनी एक बॉबर बाइक, जी हाँ बॉबर बाइक जिसे कहते हैं, बॉबर लुक में थी वो, उसका नाम था जावा पेराक 350, उसे उन लोगों ने रिवील किया था जो कि लॉन्च हुई थी एक साल बाद इंडिया। तो इन टोटल जावा ने जो है तीन बाइकें दिखाई थी उस टाइम पे 2018 में, और इनमें से दो बाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है लॉन्च हुई थी। तो आज मैं इन्हीं तीनों बाइक के बारे में इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ जावा 42 के बारे में और जावा क्लासिक, साथ ही साथ जावा पेराक के बारे में। तो दोस्तों, दो जो बाइक्स हैं जावा 42 और जावा क्लासिक, ये दोनों ही एक ही सेम सेगमेंट की बाइक हैं। बट जहाँ तक हम बात करेंगे जावा पेराक की, तो ये दोनों बाइक से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इंजन डिस्प्लेसमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो उसका लुक है वो थोड़ा रेट्रो लुक है। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिरी पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जावा 42 और जावा क्लासिक की क्या स्पेसिफिकेशन है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा था जावा 42 और जावा क्लासिक के बारे में, दोनों ही बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल ही सेम है। अब हम बात करते हैं इसकी पावर और टॉर्क का। जो बाइक पावर जनरेट करती है वो करती है 27.33 PS एट एन 27.02 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही जो है पावर और टॉर्क के मामले में दोनों बाइक सेम है। अब आप लोग कहेंगे कि जब सब कुछ सेम है तो बाइक में डिफरेंसेस कहाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है डिफरेंस बताता हूँ दोनों बाइक का क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस रहने वाला है वो है जावा क्लासिक का जो फ्रंट मड गार्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेरिजन टू जावा 42। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं क्रोम वर्क में, दोस्तों जो क्रोम वर्क किया गया है जावा क्लासिक में वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि ये क्लासिक लुक करे, थोड़ा रेट्रो अपील करे। इसके लिए इसमें जो है आगे भी आप लोग देख सकते हैं मडगार्ड पे भी गोल्डन कलर की मडगार्ड पे भी आप लोग देख सकते हैं कि क्रोम वर्क है। पूरे फ्यूल टैंक पे भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि क्रोम का वर्क किया हुआ है। तो और वही आप अगर जावा 42 को देखेंगे तो इसमें एकदम मतलब ना के बराबर क्रोम वर्क है, जिससे कि दोनों ही बाइक में डिफरेंस आराम से पता चल जाता है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे डिफरेंस पे। तो दोस्तों, तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है, जो कि मुझे लगता है कि ये इस बाइक इन दोनों बाइक में जो सबसे आखिरी जो डिफरेंस यही रहने वाला है, वो है इसका स्पीडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, जो स्पीडोमीटर है जावा क्लासिक में, वो इसका इंटीग्रेटेड स्पीडोमीटर है जो कि हेडलाइट के साथ इंस्टॉल्ड आपको दिखेगा। वहीं अगर आप लोग देखें जावा 42 में, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में है हेडलाइट से, जो कि थोड़ा सा अलग लुक देता है। जी हाँ दोस्तों, स्पीडोमीटर जो है दोनों का अलग है, जिससे कि बाइक दोनों ही अलग दिखती हैं। अब हम लोग आते हैं आखिरी डिफरेंस पे, जो कि है इसका प्राइस रेंज। दोनों ही बाइक में प्राइस रेंज का जो डिफरेंस रहने वाला है वो है 10,000 रुपये। जावा क्लासिक जो है वो 10,000 रुपये कॉस्टलियर रहने वाली है इन कंपैरिजन टू जावा 42। तो दोस्तों, बाकी की जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है दोनों ही बाइक्स की और साथ ही साथ ऑन रोड प्राइसेस दिल्ली आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप लोग देख सकते हैं।
सो दोस्तों ये तो था जावा 42 और जावा क्लासिक के बारे में स्पेसिफिकेशन और डिफरेंसेस। अब हम लोग आते हैं जावा पेराग पे। अब मैं आप लोगों को जो है जावा पेराग की जो स्पेसिफिकेशन है, बिल्ड क्वालिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या कैसी है ये बाइक, कैसी लगती है देखने में। तो मेनली जो जावा पेराग बनाई गई है वो है एक बॉबर स्टाइल में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है एक बॉबर लुक होने वाला है। और अब चलिए इसकी जो है हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी और आप लोग अगर कहें तो इस बाइक की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाली है बाकी की दोनों बाइक्स से। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और अटेंशन टू डिटेल जो है इस बाइक का बिल्कुल ही अलग रहने वाला है जावा 42 और जावा क्लासिक से। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा, रेट्रो लगेगा, जैसे कि जावा क्लासिक थी उसी टाइप में थोड़ा सा रेट्रो लुक इसको भी दिया गया है। सो दोस्तों मैं बात कर रहा था पेराग के बारे में। पेराग की जो ब्रांडिंग है पेट्रोल टैंक पे वो बिल्कुल ही गोल्डन लुक में दी गई है, गोल्डन पेंट के साथ दी गई है, जिसकी वजह से इसको जो है काफ़ी डिफरेंट फील कराता है। साथ ही साथ जो पेट्रोल टैंक है वो बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं वाटर ड्रॉप की शेप में है, जो कि काफ़ी आई कैचिंग है, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में जब आप लोग उसके पेट्रोल टैंक को देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो अगर बाइक का जो हैंडल बार है और पेट्रोल टैंक है वो इस तरीके से रेज्ड है, जो कि अगर हम इसकी सिटिंग पोजिशनिंग को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक बॉबर लुक बाइक को प्रोवाइड कराता है। तो ऑल इन ऑल ये बाइक एक सिंगल कम्यूटर की है, जैसा कि आप लोग सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हैं। और ये इंडिया में एकमात्र ऐसी बाइक है जो कि सिर्फ सिंगल कम्यूटर के लिए है, इसमें पिलियन का कोई रोल नहीं है और बिल्कुल डिफरेंट लुक में रहने वाली है ये बाइक। सो दोस्तों ये एक फ्यूल इंजेक्टेड बाइक रहने वाली है और साथ ही साथ ये लिक्विड कूल्ड भी है। और इसका जो मैक्सिमम जो पावर है वो है 30 BHP। और बाकी की स्पेसिफिकेशन और ऑन रोड प्राइसिंग जो है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन। सो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रंट में जो है इसका डिस्क ब्रेक का साइज़ वो रहने वाला है 280 mm का विथ एन फ्लोटिंग कैलिपर एंड ABS। और रियर में जो है डिस्क ब्रेक का साइज़ रहने वाला है वो है 240 mm का विथ सेम फ्लोटिंग कैलिपर एंड ABS। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। और रियर में जो है 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, जैसा कि आप लोग बाइक में देख सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन इस बाइक के बारे में। होप करता हूँ आप लोग जो हैं इन तीनों ही बाइक के बारे में अच्छी तरीके से स्पेसिफिकली समझ गए होंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।